हेलो स्टूडेंट्स, गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ में यूनिट 8 है, अ ट्रिप टू मार्स। ये एक कहानी है एक ऐसे एस्ट्रोनॉट के बारे में, कैप्टन जेना जिनका नाम है। वो एक स्पेसक्राफ्ट की कैप्टन हैं जो कि आउटर स्पेस में जाती हैं, स्पेस में बहुत दूर। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो प्लैनेट मार्स यानी मंगल ग्रह की यात्रा करती हैं अकेले और वहाँ क्या करती हैं। Captain Jenna had gone into outer space several times in a spacecraft with other astronauts and scientists. Captain Jenna पहले ही दूसरे astronauts और scientists के साथ कई बार outer space में जा चुकी थी। But this time it was different. लेकिन ये इस बार अलग था। क्या? She was going to fly a spacecraft to Mars alone. इस बार वो Mars अकेले जा रही थी spacecraft उड़ा करके। She wanted to explore it and see and know a lot of different things out about the planet. वो वहाँ जाकर खोज करना चाहती थी, देखना चाहती थी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में, वो प्लैनेट के बारे में। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू कलेक्ट रॉक्स एंड सॉइल फ्रॉम देयर एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ फॉर द साइंटिस्ट टू स्टडी देम। वो वहाँ से रॉक्स और सॉइल के नमूने भी लाना चाहती थी, कलेक्ट करके वहाँ धरती पर यहाँ वापस, ताकि साइंटिस्ट लोग उसकी स्टडी कर सकें, उसको रिसर्च कर सकें। बहुत सारी डिस्कशन के बाद दूसरे एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट के साथ कैप्टन जेना सेट ऑफ ऑन हर जर्नी टू मार्स अ फ्यू डेज लेटर। बहुत सारे डिस्कशन दूसरे एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट के साथ उन्होंने किया, उसके बाद कैप्टन जेना ने अपनी यात्रा शुरू की कुछ दिनों के बाद मार्स के लिए। अ स्मॉल रोबोट कॉल क्यूरियो अकॉम्पनीड हर ऑन हर ट्रिप। उनकी यात्रा के साथ छोटा रोबोट क्यूरियो नाम का उनके साथ में था मार्स के पर मदद करने के लिए। As she moved further into space, जैसे जैसे वो स्पेस में और आगे जा रही थी, कैप्टन जेना ने अर्थ को देखा कि और छोटा होता जा रहा है। उन्होंने स्टार्स को देखा स्काई में। शी नोटिस द स्टार्स इन द स्काई एंड थॉट अबाउट द प्लैनेट्स दैट गो अराउंड द सन। और उन्होंने सोचा कि सन के चारों तरफ जो भी चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स, उनके बारे में वो सोचा उन्होंने। आफ्टर मेनी डेज, कई दिनों के बाद, द स्पेसक्राफ्ट फाइनली रीच्ड मार्स। आखिरकार मार्स पहुँच गया उनका स्पेसक्राफ्ट। बहुत समय लगा मार्स पहुँचने में क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर है, ठीक है। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो वो देख करके मार्स के दो चंद्रमाओं को देख करके वो बोलती है, ओ वाओ, आई कैन सी द टू मून्स ऑफ मार्स। वो मार्स के दो चंद्रमाओं को देख करके, है ना, जैसे कि धरती के पास एक चंद्रमा है, वैसे ही वहाँ मार्स के साथ दो चंद्रमा हैं जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कैप्टन जेना हैज सेड ईगरली टू हरसेल्फ। वो उन्होंने बहुत ईगरली अपने आप से कहा कि अरे वाह। तब उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को वहाँ प्लैनेट के सरफेस पर, सतह पर लैंड कराया। जब वो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, शी बिकेम वेरी एक्साइटेड अबाउट फाइनली रीचिंग मार्स। मार्स आखिरकार वो पहुँच गए, इसके बारे में सोच कर बहुत एक्साइटेड हो गई। वो अपना काम शुरू करने का इंतज़ार नहीं कर पाई। शी कुड नॉट वेट टू स्टार्ट हर वर्क। लेट मी टेक माई डिगिंग टूल विद मी। मुझे अपने साथ अपना डिगिंग टूल यानी खोदने वाला उपकरण जो उनके साथ जो हाथ में दिखाई पड़ रहा है चित्र में, वो लेने दो। देन शी ओपन द हैच डोर। हैच डोर उन्होंने खोला और उतर गई वो। कैप्टन जेना ने एक ख़ास स्पेस सूट पहना था, स्पेस सूट जो कि उन्होंने अपने साथ लाया था, और वो अपने साथ एक एयर टैंक में अपनी पीठ पर लाई थी सांस लेने के लिए, क्योंकि वो मंगल ग्रह की डेंजरस एयर जो था, वह ख़तरनाक हवा जो थी, उसका सांस वो नहीं लेना चाहती थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रीद द डेंजरस एयर ऑन मार्स। शी लुक्ड एट द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट एंड डिसाइडेड टू वॉक फार अवे फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट इन सर्च ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। उन्होंने सर्फेस को देखा, प्लैनेट के सतह को देखा और फैसला किया कि थोड़ी और दूर जाएंगी स्पेसक्राफ्ट से रॉक्स और सॉइल की खोज में। मार्स लार्ज और रॉकी हिल से भरा हुआ है, उन्होंने कहा, है ना, बड़े बड़े रॉकी हिल से, चट्टानों वाली पहाड़ियाँ। कैप्टन जेना के जो वैज्ञानिक दोस्त थे, उन्होंने उनको पहले ही बताया था कि जो मार्स पर जहाँ वो चट्टानों को खोद करके सैंपल के लिए इकट्ठा कर सकती हैं, उसके बारे में अच्छी जगहें कौन सी हैं, वो पहले ही बता चुके थे उन लोग। नाउ आई शुड गो इन सर्च ऑफ द स्पॉट्स फ्रॉम वेयर आई कैन फाइंड द राइट रॉक्स फॉर द टेस्ट। अब मुझे टेस्ट के लिए सही जगह की तलाश में जाना चाहिए, उन जगहों की तलाश में जहाँ मुझे सही रॉक्स मिल सकें। क्यूरियो भी उनके साथ गया मदद करने के लिए रॉक्स ढूंढने में।
The scientists had asked DNA to collect rock soil and soil from the surface of Mars because they wanted to see if there was life on Mars long ago. साइंटिस्ट लोगों ने जेना को कहा था कि रॉक्स और सॉइल इकट्ठा कर लेना मार्स के सरफेस से, क्योंकि वे लोग चाहते थे ये पता लगाना कि बहुत साल पहले मार्स पर क्या जीवन कभी था किसी भी रूप में. कैप्टन जेना ने अपना डिगिंग टूल इस्तेमाल करके बहुत सारा रॉक्स इकट्ठा किया उन पर टेस्ट करने के लिए. तब उन्होंने क्यूरियो की मदद से उन रॉक्स की स्टडी की ये देखने के लिए कि वो सही हैं कि नहीं, उनको ले जाया जा सकता है कि नहीं वहाँ पर साइंटिस्ट को रिसर्च करने के लिए. क्यूरियो ने उनकी मदद की स्टडी को रॉक्स को स्टडी करने में. उसने थोड़ा और रॉक्स खोदने में भी उनकी मदद की ना, असिस्टेड हर इन डिगिंग अ फ्यू मोर रॉक्स फ्रॉम द सॉइल. फाइनली इट टुक अ पिक्चर ऑफ कैप्टन जेना. अंत में उसने एक तस्वीर खींची कैप्टन जेना की और अर्थ पर भेज दिया बाकी एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट को देखने के लिए. ठीक है, उसके बाद आखिरकार समय आ गया जब उनको वहाँ से जाना था रेड प्लैनेट को छोड़ करके वापस घर. वो सारे प्लैनेट से होते हुए स्टार से होते हुए गुजरी. कैप्टन जेना'स वर्क वॉज डन एज शी हैड ब्रॉट बैक ऑल द रॉक्स विच शी हैड कलेक्टेड ऑन हर मिशन. उनका काम ख़त्म हो चुका था क्योंकि उन्होंने सारा जो भी रॉक्स और जो सॉइल था वो इकट्ठा कर लिया था वो उन्होंने, है ना, अपने मिशन पर. ठीक है, उसके बाद आखिरकार वो शी केम बैक एंड टोल्ड एवरीवन अबाउट व्हाट शी सॉ ऑन मार्स. सबको उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या देखा. द साइंटिस्ट थॉट दैट पीपल हैड लिव्ड ऑन मार्स अ लॉन्ग टाइम. साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि बहुत साल पहले लॉन्ग टाइम अगो बहुत साल पहले मार्स पर लोग रहते थे. दे इवन वंडर्ड इफ मार्स वॉज ग्रीन एंड ब्लू लाइक अर्थ एट वन टाइम. वो लोग ये भी सोचते थे कि कभी एक समय में अर्थ के जैसे ही थे मार्स जो प्लैनेट था ग्रीन और ब्लू कलर का. सभी ने ऑल द साइंटिस्ट कॉन्ग्रेचुलेटेड कैप्टन जेना एंड टोल्ड हर व्हाट एक्सीलेंट वर्क शी हैड डन. उन्होंने उसको बधाई दी कैप्टन जेना को और उनको कहा कि बहुत बढ़िया, तुमने शानदार काम किया है, बेहतरीन. वेल डन कैप्टन जेना, सून इट विल बी टाइम फॉर यू टू गेट रेडी फॉर अनदर ट्रिप्स, दे सेड टुगेदर. सब ने उन लोगों ने साथ में कहा कि बहुत बढ़िया किया तुमने कैप्टन जेना, अब जल्दी ही तुम्हारे लिए दूसरे ट्रिप पर जाने के लिए तैयार होने का समय आ जाएगा. यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है. ओके, बाय.